हेलो फ्रेंड्स, खुशी रेसिपी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, रोज का वही सेम नाश्ता खाकर अगर आप बोर हो गए हैं तो फिर चाहे सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का टिफिन, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कर सकते हैं। ये नाश्ता बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार हो जाता है और वो भी बहुत ही कम सामान में। तो देरी न करते हुए इस नाश्ते को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है। पैन में एक चम्मच तेल डालेंगे। तेल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। अब इसके बाद इसमें आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। साथ ही में डालेंगे बारीक कटा हुआ करी पत्ता। तो दोनों चीजें तड़कने लगी है। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज। प्याज को चलाते हुए हल्का सा भून लेंगे। प्याज को बिल्कुल हमें जरा सा ही भूनना है, ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे। तो प्याज को हल्का सा भून लिया है। स्वाद के अनुसार डाल देंगे नमक। आधा चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर। सभी को मिक्स कर देंगे। सभी को मैंने मिक्स कर दिया है। अब इसमें आधा कप पानी डालेंगे। ये मैंने एक कच्चा आलू लिया है और आलू का छिलका उतार कर कद्दूकस कर लिया है। कद्दूकस करके मैंने इन्हें पानी में रखा था तो आलू के जो लच्छे हैं वो काले नहीं पड़े हैं। लच्छों को पैन में डाल देंगे। सभी चीज़ों को मिक्स करेंगे और एक बॉईल आने तक इन्हें पकाएंगे। इस नाश्ते को बनाने के सारे इन्ग्रीडियंट्स आपको अपने किचन में ही मिलेंगे। इसे बनाने के लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं पानी में बॉईल आना शुरू हो गया है। अब इसमें हम आधा कप सूजी डाल देंगे। सूजी मैंने बारीक वाली ली है। तो अब सभी चीजों को मिक्स करेंगे। इसे हमें डो की तरह तैयार कर लेना है। आप देख सकते हैं सूजी ने सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर डो की तरह तैयार करेंगे। पूरा मिश्रण डो की तरह तैयार हो गया है। अब गैस बंद कर देंगे और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि जो सूजी है वो स्टीम हो जाए। तो 2 मिनट हो गए हैं, ढक्कन हटा लेंगे। इस मिश्रण को हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो मिश्रण को मैंने प्लेट में निकाल लिया है। इसे हाथों से अच्छे से मैश करेंगे और डो के फॉर्म में रेडी कर लेंगे। अगर आपको ये मिश्रण ज़्यादा गर्म लगता है तो इसे ठंडा कर ले, तभी इसे मैश करें। मिश्रण को मसल मसल कर मैंने चिकना कर लिया है। अब इस डो को हम इसी थाली पर फ्लैट कर लेंगे। चारों तरफ से इसे अच्छे से फ्लैट करेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे किस तरह से फ्लैट किया है। आप चाहें तो इसे स्पैटुला की हेल्प से भी दबा दबा कर फ्लैट कर सकते हैं। तो स्क्वायर शेप में मैंने इसे फ्लैट कर दिया है। अब इसे हम पीसेस में कट करेंगे। तो स्क्वायर शेप में मैं इसे कट कर रही हूँ। आप इसे अपने मनचाहे शेप में कट कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे ट्रायंगल शेप में भी कट कर सकते हैं या फिर रेक्टेंगल शेप में कट कर सकते हैं। सारे पीसेस अलग कर लेंगे। अब एक पीस मैं आपको उठाकर दिखाती हूँ। तो इस तरह से मैंने इन पीसेस को कट कर लिया है। पैन में तेल डालकर मैंने गर्म होने रखा है। तो इस नाश्ते को मैं सेलो फ्राई करूँगी। आप चाहें तो इस नाश्ते को डीप फ्राई भी कर सकते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे। एक एक पीस उठाकर पैन में रख देंगे। जितने पीसेस पैन में आ जाएंगे उतने डालकर इन्हें सेलो फ्राई करेंगे। कुछ मिनट तक इन्हें एक साइड से फ्राई होने के लिए छोड़ेंगे। 2 से 3 मिनट तक इन्हें मैंने एक साइड से सेलो फ्राई किया है। अब इन्हें हम पलट लेंगे। पलट पलट कर इन्हें मैंने गोल्डन ब्राउन होने तक सेलो फ्राई कर लिया है। आप देख सकते हैं सभी का कलर चेंज हो गया है। तो ये अच्छे से सेलो फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो क्रिस्पी होने तक इन्हें मैंने सेलो फ्राई कर लिया है। सभी को प्लेट में निकाल लेते हैं। गर्मा गर्म नाश्ता सर्व करने के लिए तैयार है। इस नाश्ते को आप मनपसंद चटनी या सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं।
अगर आपके यहाँ अचानक से मेहमान आ जाए तब भी आप इस नाश्ते को फटाफट से बना सकते हैं। आपने देखा होगा इस नाश्ते को बनाने में ज़्यादा प्रोसेस नहीं है, तो ये नाश्ता बहुत ही फटाफट से बनकर तैयार होता है। जब भी आप ये नाश्ता बनाएं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं आपको रेसिपी कैसी लगी। तो मिलते हैं एक और नई मज़ेदार टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स।